सुशील कुमार देश का एकमात्र एथलीट जिसने आजादी के बाद व्यक्तिगत तौर पर 2 ओलंपिक पदक जीते। सुशील कुमार फ्री स्टाइल रेसलर यानी पहलवान है। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। जिस सुशील कुमार को देश के युवा प्रेरणा मानकर ओलंपिक में जाने के सपने देखते थे, उसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है, यहां तक कि उन पर इनाम घोषित किया गया है। आइए जानते हैं एक ओलंपिक चैंपियन के मोस्ट वांटेड बनने की पूरी कहानी। मामला इसी महीने का है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या हुई। राणा के साथ कई पहलवानों ने मारपीट की। ये तब तक की गई जब तक राणा की मौत नहीं हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इन सब से सुशील कुमार का क्या वास्ता? दरअसल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार भी पहलवानी के गुण सीखते थे। ऐसे में उनका नाम इस हत्याकांड में जुड़ा। सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने द्वेष के चलते अपने जूनियर पहलवान सागर राणा की हत्या करवाई। राणा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुशील को ये डर था कि छत्रसाल स्टेडियम से निकलकर राणा उनसे ज्यादा सफल न हो जाए। इसी की वजह से सागर राणा की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक राणा के साथ जब मारपीट की गई और उसकी हत्या हुई, उसी वक्त सुशील कुमार और उनके साथी वहीं मौजूद थे। ऐसे में चश्मदीदों और सीसीटीवी की जांच के बाद पहलवान सागर की हत्या में सुशील कुमार को आरोपी बनाया गया। अब दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार की तलाश है। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले ही सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। पुलिस को शक था कि सुशील कुमार देश छोड़कर भाग सकते हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इससे पहले उन पर जूनियर पहलवान नरसिंह यादव को साजिश करने और डोप टेस्ट में फंसाने का आरोप लगा था। नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में भाग भी नहीं ले सके थे। नियमों के मुताबिक सुशील कुमार की जगह नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक में भाग लेने के लिए कुश्ती महासंघ ने भेजा था, जिसका विरोध सुशील कुमार कर रहे थे। अब ऐसे में इस पूरे कांड के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।